लैंग्वेज टीवी में फिगर ऑफ स्पीच लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंटीथीसिस एंड ऑग्जामिर नो फॉट फर्स्ट पर्सन आर थिंग दैट इज द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ सम एल्स अब व्यूअर्स ये देखें डायरेक्ट ऑपोजिट तो है लेकिन इसमें पैरल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा एंटीथीसिस में और इसमें ऑपोजिंग क्लासेज होंगे फ्रेजेज होंगे आगे देखते हैं द अपोजिंग क्लासेज फ्रेजेज आर सेंटेंसिस यूजली विद इन पेरल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटीथीसिस बेनिफिट क्या है इसका यूज़ ऑफ पैरलिज्मीथीबलिशेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट मेक्स फॉर रिदमिक राइटिंग एंड लिरिकल स्पीच नो वट इज ऑग्जोम ऑग्जोमीरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंट टू क्रिएट आ ड्रामेटिक इफेक्ट ये ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है और एंटीथीसिस क्या करता है रिदमिक राइटिंग और लिरिकल स्पीच बनाता है अब ऑग्जोमीरोन की पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ये देखें ओपन सीक्रेट भाई या वो ओपन होगा या सीक्रेट होगा लेकिन जो लव इकट्ठे आ गए एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये क्या कहलाएगा फुलिश विजडम भाई या पागल होगा या जहीन होगा लेकिन अगर ये कहीं इकट्ठे आ जाए किसी चीज पे इम्फेसिस क्रिएट करने के लिए ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए तो ये होगा ऑग्जोमीरोन आप एग्जाम्पल देखते हैं एंटीथीसिस की लव इज एन आइडियल थिंग मैरिज अ रियल थिंग टिकल स्ट्रक्चर है दो मुख्तलिफ सेंटेंसो में आया है एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स तो ये क्या हो गया एंटीथिस एक जगह आइडियल की बात होगी ख्याली दुनिया की और एक जगह रियल यानी कि हकीकी दुनिया की बात तो ये क्या है एंटी है आगे चलते हैं ये देखें जी शेक्सपियर के प्ले में से हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं किसकी ऑग्जोम की वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट ओ एनी थी थिंग फर्स्ट क्रिएट ओ हैवी लाइटनेस हैिटी ये देख लविंग हेट दो लफ्ज आए हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये है ऑग्जोम हैवी लाइटनेस एक दूसरे के ऑपोजिट है एक ही सेंटेंस में आए हैं कट्ठे आए हैं तो ये क्या हो गया ऑग्जोमिर अब हमने देखने हैं एंटीथीसिस इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वी वास्ट ऑफ टाइम बेस्ट और वास्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं पैरल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में दो मुख्त सेंटेंस हैं तो ये क्या बन गया आगे भी देख लें इट वॉज विजडम जो था इकट्ठा आया था तो वो क्या था ऑग्जोम था यहां पैराल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में दो मुख्तु सेंटेंसिस में आया है, तो क्या बन गया एंटीथीसिस बन गया ऑग्जोम की एग्जाम्पल डेफिनेशन देख लें एंड ऑग्जोमिंग वर्ड सीम्स टू कॉन्ट्रोडेक्ट टू ईच अदर एक मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं यू नो वट इज द ट्रेजिडी इन दिस प्ले दिस प्ले इज अ कॉमेडी ट्रेजिडी और कॉमेडी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं लेकिन ये पैरल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में आए हैं तो क्या हो गया ट्रेजेडी और कॉमेडी मुख्तु सेंटेंसिस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो यह है एंटीथिस और हमने इसको कैसे बना दिया ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिला के आई लव ट्रे रीडिंग ट्रेजिक कॉमेडी दो लफ्ज इकट्ठे आए एक, एक दूसरे के साथ आए एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एक ही सेंटेंस में आ गए इकट्ठे हैं इसलिए ये क्या है ऑक्जम्बिर है फिगर ऑफ स्पीच के बाकी लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं उस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं और रोमियो एंड जूलेट हेमलेट और किंग लियर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं उस पर क्लिक करके सुनिए चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज़